कुछ समय पहले फिल्म कॉमेडियन फेमस लाफ्टर शो के चैंपियन राजू श्रीवास्तव जी को हार्ट अटैक हुआ और पता चला उनको 2 स्टेंट लगाई गई और उसको मिला के उनके 9 स्टेंट लग चुके हैं। तो सवाल पैदा ये होता है कि एक हार्ट के पेशेंट्स को कितने स्टेंट लगाया जा सकता है। देखिए, ऐसे तो शुरुआत में हम यही बोलना चाहते हैं स्टेंट के हम ऑलरेडी ऑल द टाइम आई हैव बीन अगेंस्ट इट। मेरे को लगता है स्टेंट लगाना सक्सेसफुल नहीं रहता है और ये 9 स्टेंट का मतलब है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सब फेल कर रहा है तब जाके 9 लगाने की मैं 9 बता रही है। याद रखिए, स्टेंट को कोई मजाक का नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है पहले ये समझते हैं कि एक ब्लॉकेज है जिसको बनने में 30-40 साल लग गए हैं। अब आपने बोला कि भई इसमें स्टेंट लगाएंगे, स्टेंट का क्या मतलब है? ब्लॉकेज के अंदर एक बैलून डालिए और बैलून को फुला दीजिए, ब्लॉकेज साइड में दब गई, जब बैलून निकालेंगे तो ब्लॉकेज वापस आ जाएगी, तो वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं। आपने कभी डॉट पेन खोल के देखा है? डॉट पेन के अंदर छोटी सी स्प्रिंग होती है, वो ऐसा एक स्प्रिंग वहाँ पे लगा के उसको फुला देते हैं और स्प्रिंग उसको वापस आने नहीं देती है। इसी स्प्रिंग का नाम रखा गया स्टेंट। पहले ऑर्डिनरी स्टेंट होता था, फिर ये लोग बोले कि नहीं ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, मेडिकेटेड स्टेंट होना चाहिए, फिर गोल्ड स्टेंट आया, फिर रेडियो एक्टिव स्टेंट आई, फिर लेज़र एंजियोप्लास्टी आई, फिर ये लोग और भी तरह तरह के स्टेंट लेके आए। बट ये देखा गया ये फॉरेन बॉडी है और फॉरेन बॉडी के अंदर ब्लॉकेज बहुत जल्दी आ जाती है। तो स्टेंट का यही हालचाल होता है कि 6 महीना 1 साल में बहुत सारे मरीज वापस आ जाते हैं और 2-3 साल में तो काफ़ी सारे लोग वापस आने लग जाते हैं। तो ये स्टेंट बहुत सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। पर 9 स्टेंट की बात है, मैं आपको बताऊं 9 काफ़ी नहीं है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे अभी, 15 स्टेंट लगा चुके थे। मैंने उनको बोला भाई कितने स्टेंट हो गए, बोले सर आजकल गिनना बंद कर दिया, जब जाते हैं 1-2 लगा देते हैं और ये फाइल ले लो आप, इस पे चेक करो कितनी हुई टोटल। तो मैंने अपने डॉक्टर को बैठाया, 3 घंटा रिसर्च करके बोला सर 15 स्टेंट लग चुके हैं ऑलरेडी। आप एक समझ लीजिए कि स्टेंट का कोई एंड नहीं है। एक बार बॉडी के संग छेड़खानी शुरू करो तो उसके बाद ये कब जाके रुकेगा किसी को मालूम नहीं है। हमारे पास ऐसा नहीं कि पहली बार कोई ऐसा आया, आते रहते हैं ऐसे। पर जब इतने बड़े जो सेलिब्रिटी है उनको ये 9 स्टेंट लगता है, तब सवालिया क्वेश्चन आ जाती है कि भाई क्या ये स्टेंट जायज है, क्या स्टेंट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट माना जाना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास है नहीं, पर खुद को कोई पूछ के देखे, सर एक स्टेंट लगाने के बाद आप दूसरा लगाना चाहते हो? हार्ट का पेशेंट बोलते एक भी नहीं लगाना चाहते, पर हॉस्पिटल सिस्टम ऐसी बन गई है वो नॉर्मल बात को सोच ही नहीं रही है कि यार ये ब्लॉकेज बन क्यों हो रहा है, इसको रोका जाए। खान पीन रहन सहन अगर ठीक हो सकता है, ब्लॉकेज को रोका जा सकता है तो वो किया जाए। अगर ब्लॉकेज रिवर्स हो सकता है तो और अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ हमारे ह्यूमन बॉडी को छेड़खानी करने का ये मुआवजा है कि एक ब्लॉकेज आपने छेड़खानी करके खोलने की कोशिश की और उसके वजह से ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ गई। जो ब्लॉकेज 40 साल में बनी थी अब 6 महीना 1 साल 2 साल में बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि छेड़खानी का रिजल्ट है कि आपकी ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ गई है। देखिए, फॉरेन बॉडी है ये स्टेंट और फॉरेन बॉडी बॉडी के अंदर कभी भी डालेंगे, ह्यूमन बॉडी कभी एडजस्ट नहीं करता। मैं आपको एक बार बताऊँ, छोटे में मेरे पैरों में एक छोटी सी कांटे घुस गई थी, खूब देखा, हुई ठीक नहीं रहा, महीना भर लग गया। फिर कोई ने बोला सर अंदर कांटा रह गया होगा, उन्होंने सुई लेके वो कांटा निकाल दिया और नेक्स्ट 3 दिन में पूरी हील हो गई। मतलब फॉरेन बॉडी जब तक अंदर रहेगा जब तक वो हीलिंग नहीं करने देगा। तो यही कारण है मैं स्टेंट के खिलाफ हूँ और 9 स्टेंट कोई छोटी सी बात नहीं है। लाखों कितने लगे वो तो मैं गिनने नहीं सकता हूँ क्योंकि उन्होंने कहाँ से कराया, कितना पैसा। स्टेंट लगाने के दाम बढ़ते जा रहे हैं जबकि स्टेंट के दाम कम होते जा रहे हैं। स्टेंट पहले 2-2 लाख में बिकते थे, अब वो स्टेंट का दाम रखा गया सरकार की तरफ से हाईएस्ट 30,000 रुपये इंडिया में और उसको लगाने के दाम बढ़ गए। पहले 20,000 लगाने का लगता था, अब 2 लाख लगाने के लग गए। तो इसमें बहुत सारी झोल है। मैं चाहता नहीं हूँ लोगों को स्टेंट की तरफ ले जाया जाए। उनको खान पीन रहन सहन लाइफस्टाइल, अगर वो जीरो ऑयल खाते हैं, वॉकिंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड सबको ठीक रखते हैं तो फिर आगे स्टेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही बाईपास सर्जरी की ज़रूरत होगी। तो यहीं पे आज ख़त्म करता हूँ। आप थोड़ा सोचिए और सोच के देखिए मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, आपकी ओपिनियन आप फॉर्म कीजिए, पर मैं स्टेंट के खिलाफ रहूँगा और आगे भी रहूँगा।